82 की बाइंग इन्होंने बताई सेल में, और जो प्राइस ऑब्जर्वेशन इनका रहा उसके बेसिस पे एक रेंज इनको दिखाई दी। तो ये यही पूछ रहे हैं कि क्या ऊपर की रेंज में बेच दे, नीचे की रेंज में खरीद ले वापस। ऑल दो ये एक इन्वेस्टर हैं, क्या सजेशन रहेगा? नहीं देखिए, अब जिस तरह से 52 हाई की बात कर रहे हैं तो सेल का 52 हाई आई थिंक तकरीबन 140 के आसपास है, उससे थोड़ा सा ऊपर भी गया था। तो आई थिंक उस नजरिए से देखें तो काफी बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ चुका है, अगर इन्होंने वो उस प्राइस को देखा है और उसकी ये चर्चा कर रहे हैं तो उस केस में डेफिनेटली रेलिवेंट हो जाता है जब कोई चीज 30-35% नीचे आ जाती है। इनफैक्ट 40% ऑलमोस्ट हाई से ये नीचे है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली अगर आप उसको टाइम कर पाए तो व्हाई नॉट। अगर आपने इसको 130-140 के रेंज में बेचा होता तो आज डेफिनेटली आप ये पूछ रहे होते कि मैं इसको दोबारा लूं कि नहीं लूं, और फिलहाल अभी हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करूं कि नहीं करूं। तो आई थिंक अब लॉन्ग टर्म इन्होंने रेंज बढ़िया समझी है और पकड़ी है, 70 से लेके 140 की इसकी एक रेंज मुझे भी यहाँ बनती हुई दिख रही है। तो अब अपने रेंज के लोअर एंड पे है की तरफ आ रहा है, तो अब मैं तो इनको यहाँ से बेचने की तो राय नहीं दे सकता। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई सेल में तो खड़े रहें, आई थिंक कॉस्ट के आसपास कहीं का स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें, चाहे ट्रेलिंग तो खड़े रहें या अगर डिलीवरीज हैं और 12-24 महीने आराम से खड़े रहना चाहते हैं तो आई थिंक खड़े रहें।